सो गाइस आज के साथ वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले अपने उज्जवल भाई के हेटर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है वैसे तो अपने उज्जवल भाई के कोई भी हेटर्स वगैरह नहीं है, मतलब कि ऐसे कोई बेफालतू के अंदर उज्जवल भाई को कुछ भी नहीं बोलता है। हो क्या ये बात उसको भी अच्छे से पता, अगर उज्जवल भाई के बारे में कुछ भी ऐसे बेफालतू के अंदर बोल लेगा तो भाई उनकी जो आर्मी है भाई ऐसी तैसी कर देगी, मतलब इतनी खतरनाक आर्मी है। अगर उज्जवल भाई की वीडियो के कमेंट्स के अंदर कोई कुछ भी लिख देते ना उल्टा सीधा तो भाई उसको 100 रिप्लाई मिलेंगे और 100 रिप्लाई के अंदर 200 गाली होगी भाई। एक बंदा जो तीन तीन चार चार गाली देकर जाता है, क्योंकि वैसे उज्जवल भाई को हेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि यार उज्जवल भाई सारे के सारे गेम्स खेलते हैं, प्रॉपर गेमर है। ऐसा नहीं कोई एक गेम पकड़ के बैठे हैं बस को खेले जा रहे ऐसा तो वो करते नहीं। इसी गेम्स तो खेलते ही खेलते हैं और साथ भाई कभी कभार जो मोबाइल गेम्स वो ट्राई कर लेते हैं। यही खासियत होती है प्रॉपर गेमर की, जो कि सिर्फ व्यूज के पीछे नहीं भागता, जो भागता है गेम्स के पीछे। मतलब भैया हमको तो नए नए गेम्स चाहिए, चाहे व्यूज आए या फिर ना, ये सीन है अपने उज्जवल भाई का। और बाकी अदर क्रिएटर्स का आप सभी को पता ही है क्या सीन। अपने उज्जवल भाई ने सभी गेम्स में हाथ पैर मार रखे हैं, इसलिए भाई सभी गेमिंग की जो कम्युनिटी के जो बंदे हैं, जो लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं भाई वो उन्हें पसंद करते हैं। और शायद से यही एक रीजन है कि आज तक भाई उज्जवल भाई के 35 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक बार भी उज्जवल भाई की किसी के साथ भी कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। मतलब किसी से वो ऐसे बात नहीं करते भाई, तो छोटा क्रिएटर है तो बड़ा क्रिएटर है, तेरे साथ कोलैब होगा तेरे साथ नहीं होगा, ना भाई ऐसा नहीं है। जो भी भाई उन्हें पसंद है, कोई भी छोटा क्रिएटर जो अच्छा कर रहा है भाई उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, जो बड़ा क्रिएटर है जो हवा में भाई उसे वो बात ही नहीं करते। तो इसी कारण उज्जवल भाई को हेट करने का कोई भी मतलब बनता नहीं है। मतलब किस बेसिस पर हेट करो भाई, कोई बेस होना तो चाहिए, कोई कारण होना तो चाहिए, कोई रीजन होना तो चाहिए भाई क्यों वो हेट कर रहे हो। मतलब क्या उज्जवल भाई ने तुम्हारे किसी फेवरेट क्रिएटर कुछ बोल दिया, या फिर भाई कह रहे कि भाई ही सबसे ज्यादा प्रो हूँ, मुझसे बड़ा कोई प्रो है ही नहीं इस गेम के अंदर, या फिर कहते भाई सबसे ऊपर मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे ही है, ऐसा कुछ ईगो वगैरह दिखा दियो या फिर किसी गेम को बुरा वाला कह दियो। हाँ भाई गेम को तो बुरा वाला कहा है, कैंडी क्रश की वो बहुत बेइज्जती करते हैं, लेकिन भाई वो बेइज्जती करने लायक गेम है तो उसकी भाई बेइज्जती होगी। अगर भाई वो लोग हेट करे तो भाई समझ में आता है, लेकिन वैसे यार वो लोग हेट करते नहीं है, क्योंकि भाई ज्यादातर वो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अंकल लोग होते हैं भाई, वही खेलते रहते हैं, भाई किसी से कुछ भी मतलब नहीं। वैसे अपने उज्जवल भाई हेट के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मतलब वो किस तरीके से उसे डील करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं या फिर भाई उसके सामने कुछ कहते हैं? फिर बताओ, हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स? मजा आता है तो फिर की लेते हैं, फिर की नहीं लेता मैं। हाँ। उन्हीं से ज्यादा पता चलता है कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं। मतलब नेगेटिव एक तो होते हैं कि हाँ जबरदस्ती फालतू बोल रहे हैं, वो वाले तो बहुत ही कम है मेरे उसमें। एक आई थिंक एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है कि वो खाली गाली देने हैं। हाँ। तो गाली वालों को आप इग्नोर करते हो। हाँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है।